देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान की शपथ ली है, हर दिन आके चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मगर अफसोस कल उन्होंने मंच से खड़े होकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, असंवैधानिक है, ये हेट स्पीच है। मोदी जी ने खड़े होकर कर दिया कि देश के अंदर जो मुसलमान है घुसपैठिया है, ज्यादा बच्चे पैदा करता है। अरे मोदी जी, हम घुसपैठिए नहीं है, देश हमारा है, और भारत देश पर जितना अधिकार आपका है उससे कहीं ज्यादा अधिकार वारिस पठान का और पूरे देश के मुसलमानों का है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया है और हम हमारे भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है, क्या इस तरह की स्पीचेस अलाउड है? हमको समझ में आता है मोदी जी कि आपको पहले चरण का जो चुनावी झटका पड़ा है वो आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर कर चुका है, तो अब आप इसी चीज के ऊपर चुनाव की बात करेंगे? मुसलमान आ गया, अभी पाकिस्तान आ जाएगा, औरंगजेब आ जाएगा, आप पोलराइज करने के ऊपर आ गए, फिर जो विकास के मुद्दे पर तो आपको फिर फेल हो गया। आपकी गारंटी यही की है, 2002 से हम देखते आ रहे हैं आपने एक ही गारंटी का पालन किया है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बो, मुसलमानों को गाली दो और अपनी सियासत चमकाओ। हम इस बयान का खंडन करते हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर इस बयान का संज्ञान ले।